हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग वर्कआउट करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन इलॉन्गेटेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसे हम लोग टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, और स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन कंसिडर करना है, जिसमें सारे मेटल लिगेंड बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो आइडेंटिकल होना चाहिए, या यू कहे ऑल मेटल लिगेंड बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। इसको हम लोग फर्स्ट डायग्राम फिगर 1 में देखते हैं कि यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पहले से बनाया हुआ है, और लिगेंड को एक्स वाई प्लेन में शो किया गया है, और अलॉन्ग द जेड एक्सिस वी लिगेंड को शो किया गया है, जिससे कि इसका ज्योमेट्री क्या हो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि रेगुलर ऑक्टाहेड्रन या रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग सिंपल है कि इसमें जितने भी मेटल लिगेंड बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, ऑल मेटल लिगेंड बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन के अलॉन्ग में जो लिगेंड मेटल आयन के साथ बॉन्ड बना रहा है, या अलॉन्ग द जेड एक्सिस जो लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है, उन सभी का बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होने के कारण ऐसे स्ट्रक्चर को रेगुलर स्ट्रक्चर, और चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हम लोग कंसिडर किए हैं, तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एक नया पॉइंट हम लोग जानेंगे कि जो भी लिगेंड अलॉन्ग द जेड एक्सिस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस लिगेंड। एक बार फिर से ध्यान से समझो कि जो लिगेंड अलॉन्ग जेड एक्सिस में ज्वाइन है या अलॉन्ग द जेड एक्सिस में उसे शो किया गया है, वैसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस लिगेंड। और फर्स्ट केस में सारे मेटल लिगेंड बॉन्ड, चाहे वो अलॉन्ग द एक्स वाई प्लेन वाले हो या अलॉन्ग द जेड एक्सिस वाले हो, सभी का बॉन्ड लेंथ सेम रहता है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हो कि हमने सेकंड फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया है। सेकंड फिगर में और फर्स्ट में एक माइनर डिफरेंस है, और वो माइनर डिफरेंस क्या है, जो ट्रांस लिगेंड है अलोंग द जेड एक्सिस वहाँ पर मेटल लिगेंड बॉन्ड को, यानी उसके बॉन्ड लेंथ को बड़ा कर दिया गया है एज कंपेयर टू द मेटल लिगेंड बॉन्ड अलॉन्ग एक्स वाई प्लेन। तो ये बॉन्ड लेंथ जो है अलॉन्ग द जेड एक्सिस, जिसको हम लोग ट्रांस लिगेंड वाला पार्ट कहते हैं, उसको ज़्यादा किया गया है एज कंपेयर टू दैट ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड अलॉन्ग एक्स वाई प्लेन। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग इलॉन्गेटेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इलॉन्गेटेड का मीनिंग क्या हो गया कि अलॉन्ग द जेड एक्सिस इसका जो बॉन्ड लेंथ है उसको हम लोगों ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो ये हमारा सेकेंड केस मिल चुका है। और इसी से अगर हम ये दो ट्रांस मेटल लिगेंड बॉन्ड को कंप्लीटली हटा दें, तो हमें केवल ये मिलेगा एक्स वाई प्लेन। और इस समय हम देख रहे हैं कितना मेटल लिगेंड बॉन्ड है, 4 मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यानी मेटल के आयन के साथ लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये जो ज्योमेट्री आया, इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लानर, और चूंकि कॉम्प्लेक्स है तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। तो ये तीनों डायग्राम तुम लोग अच्छे तरीके से समझ गए होगे। अब इसमें एक और
इम्पॉर्टेंट पॉइंट को तुम लोग को दिमाग में सेट करना है, वो ये है कि अगर कोई डी ऑर्बिटल, किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स का डी ऑर्बिटल अगर लिगेंड के डायरेक्शन में आता है तो उसका एनर्जी इंक्रीज करता है, जो नहीं आता उसका एनर्जी डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के लिए सबसे पहले डी जेनरेट डी ऑर्बिटल किसके लिए, फ्री मेटल आयन के लिए। फिर जब लिगेंड और मेटल आयन अप्रोच होगा उस समय सभी डी ऑर्बिटल का एनर्जी फिर से बढ़ेगा और इक्वली बढ़ेगा, तो ये फिर से डी जेनरेट डी ऑर्बिटल, लेकिन पहले से क्या हो गया, ज़्यादा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, कुछ डी ऑर्बिटल लिगेंड के डायरेक्शन में आ जाते हैं तो उनका एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वो ऑर्बिटल हैं जो लिगेंड के डायरेक्शन में आते हैं, तो इनका एनर्जी इंक्रीज होता है प्लस 0.6 ले लो। और ऐसे सेट ऑफ ऑर्बिटल को हम लोग क्या कहते हैं, ईजी सेट। और रिमेनिंग तीन डी ऑर्बिटल डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, ये वो ऑर्बिटल हैं जो लिगेंड के डायरेक्शन में नहीं आते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स कम होने के कारण इनका एनर्जी डिक्रीज होता है, और कितना डिक्रीज होता है, -0.4 डेल। और इस तीन ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टी टू जी सेट, पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर ये हमारा पहला वाला केस का, यहाँ तक हम लोगों ने दिखा दिया स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, किसका स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल का। ऑक्टाहेड्रल के बाद यहाँ पर देख रहे हो इलॉन्गेटेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अलॉन्ग द जेड एक्सिस लिगेंड है, और अलॉन्ग द जेड एक्सिस लिगेंड तो है, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, यानी इस लिगेंड के ऑर्बिटल और सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल आसानी से अप्रोच नहीं होंगे, तो यहाँ रिपल्सन क्या होगा, कम। जबकि एक्स वाई प्लेन में रहने वाले जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल आयन को ज़्यादा अप्रोच करेगा तो उसका एनर्जी बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर देखो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलॉन्ग द प्लेन है, एक्स वाई प्लेन जो लिगेंड के डायरेक्शन में आ रहा है। सेंट्रल मेटल आयन का ये डी ऑर्बिटल लिगेंड के डायरेक्शन में आने के कारण इसका एनर्जी इंक्रीज कर गया, और चूंकि अलॉन्ग जेड एक्सिस लिगेंड काफ़ी दूर चला गया इसका एनर्जी डिक्रीज किया डी जेड स्क्वायर। अब टी टू जी को भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर तीन सेट ऑफ ऑर्बिटल है डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन वाला जो ऑर्बिटल है वो सीधा सीधी अलॉन्ग द प्लेन है, तो इन तीन ऑर्बिटल में डी एक्स वाई का एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा। और बाकी जो दो ऑर्बिटल है डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये लिगेंड के डायरेक्शन में नहीं आने के कारण इनका एनर्जी क्या होगा, कम। अब ये जो स्प्लिटिंग हम लोग देख रहे हैं इस स्प्लिटिंग को कहते हैं स्प्लिटिंग इन इलॉन्गेटेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, किसका स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल का। और जब ये तीसरा कंडीशन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो ट्रांस लिगेंड तो यहाँ कंप्लीटली हट गया, तो जो भी ऑर्बिटल जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा या अलॉन्ग द जेड एक्सिस कंटेन करेगा तो उनका एनर्जी क्या होगा, एकदम से ही कम। तो यहाँ पर देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में इसका एनर्जी क्या हो गया, काफ़ी कम। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिगेंड देखो एक्स वाई प्लेन में है तो इसका एनर्जी बढ़ गया। अब
इसमें अगर हम बात करें डी वाई जेड और डी जेड एक्स, तो यहाँ जेड है ही नहीं, तो इसका एनर्जी एकदम नीचे, और जो यहाँ पर डी एक्स वाई है अलोंग एक्स वाई प्लेन में ये अप्रोच हो रहा है, तो इसका एनर्जी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। और इस तरीके से जब स्प्लिटिंग होता है, दैट इज नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्क्वायर प्लैनर फील्ड। तो ये सवाल कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, तो सारे पॉइंट को मैंने शॉर्ट में समझाने का कोशिश किया। आई होप कि तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन रहे तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।